सैटरडे संडे अगर आप आ रहे हैं ना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलने वाला है, इनको टेस्ट करना और खाना। चलो मैं पहुँचते ही देखिए भाई हाइलक्स फुल लोडेड भाई, क्या मस्त लग रही है। हे गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, आई होप आप सब मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंगलोर की सबसे फेमस जगह, जब भी आप बैंगलोर में सर्च करेंगे ना, बैंगलोर के लिए सर्च करेंगे ना घूमने की जगह, तो शायद नंबर वन पे आता है नंदी हिल्स। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे। वैसे प्लान था सुबह 4 बजे जाने का, बट ना लेट एडिटिंग करी, फिर सोए लेट तो उठ नहीं पाया 4 बजे, और अभी टाइम हो चुका है 5:30, तो लेट हो गए हैं। मुझे पता है, अब पता नहीं सनराइज़ देख पाएंगे वहाँ से, नहीं देख पाएंगे। एक व्यू पॉइंट है तो वहाँ पे जाते हैं जल्दी से और आपको भी दिखाते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। एंड लेट तो हो चुके हैं भाई, चलिए जल्दी से पहुँचते हैं कैब में, कैब नीचे वेट कर रही है। तो भाई ये है अपनी कैब और कैब वेट हो। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. कल यार एक जगह का आधी युग का प्लान बनाया तो फेल हो गया, आज हमने नंदी हिल्स का प्लान बनाया तो लग रहा है फेल होने जा रहा है, क्योंकि आगे ना पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। पता नहीं आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट कल बारिश हुई थी तेज, तो शायद लैंडस्लाइड वगैरह या कुछ ना हो गया हो। अभी ड्राइवर भैया पता करेंगे भाई क्या सीन हुआ है क्या नहीं हुआ है यहाँ पे, फिर बताते हैं भाई। और हो गए अगर हमारे आगे जाके नंदी हिल्स के दर्शन तो आपको भी कराएंगे। तो यहाँ पे नंदी बाबा जी बैठे हैं और यहीं से देखो रास्ता है, बट पूरा का पूरा भाई लंबा ट्रैफिक है। तो भाई हमारे साथ ना थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है यार, जहाँ भी जा रहे हैं नहीं हो पा रहा, तो भाई नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इतना लंबा ट्रैफिक है और अपने पास ना उतना टाइम नहीं है। अभी हमने एग्जीबिशन में भी जाना है। और ये देखिए, ये है वैसे नंदी हिल्स ये सामने, तो यहाँ तक पूरी गाड़ी जाती है, भैया बता रहे थे गाड़ी जाती है यहाँ पूरी वहाँ तक मतलब। और अराउंड मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक था, तो कोई पॉइंट नहीं बन रहा था। और सैटरडे संडे अगर आप आ रहे हैं ना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलने वाला है, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पूरा क्राउड भाई इस साइड में आ जाता है। राइडर्स कितने सारे आ रखे हैं और कैब्स वगैरह बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ तो लगी हुई हैं लाइन पे, बट बहुत सारी गाड़ियाँ ना वापस रिटर्न भी हो रही थी, तो हमने तो प्लान कैंसिल कर दिया है, सॉरी हम आपको नहीं दिखा पाए। बट नंदी हिल्स आप देख लीजिए, देखिए एक ना यही वो एक प्लेस है प्रॉपर जो हिल है, और जब कई बार ऐसा होता ना यहाँ पे पूरे इस वाले एरिया में पूरे क्लाउड्स आ जाते हैं, पूरे मतलब नीचे नीचे तक क्लाउड्स आ जाते हैं। और इसका एल्टीट्यूड है ना वो 1500 मीटर के अराउंड है, मतलब अराउंड 4,500 फीट के आसपास है, बट बहुत अच्छे क्लाउड बन जाते हैं भाई यहाँ पे। तो भाई सॉरी नहीं दिखा पा रहे आपको, बट दूर से ही दिखा दिया। अब चलते हैं यार आगे, जाएंगे वापस होटल और एग्जीबिशन में फिर जाना है। अगर आप भी नंदी हिल्स जा रहे हैं ना तो वहाँ पे ग्रेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे खेती है ग्रेप्स की, और बड़े बड़े ग्रेप्स हैं भी, ज़रूर इनको टेस्ट करना और खाना, अच्छे लगेंगे। थोड़ा डिफरेंट है दिल्ली एनसीआर में जो हम खाते हैं ना, उससे तो कुछ अलग ही है, बहुत इसके अंदर बहुत मोटा बीज है। सुबह ही थोड़ा बहुत घूम फिर के सुबह ही, और अभी टाइम हो चुका है अराउंड 10 बज चुके हैं, हम वापस से होटल पहुंच चुके हैं। और होटल में पहुंचते ही देखिए भाई हाइलक्स फुल लोडेड भाई, क्या मस्त लग रही है। चलिए भाई जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम भी ओवर हो चुका है, तो जल्दी से जाते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर
रेडी हो जाएंगे एग्जीबिशन जाने के लिए। चलो जल्दी से मिलते हैं यहाँ टेबल पे। सो ब्रेकफास्ट कर लिया और बहुत लेट हो गए थे तो मिल तो गया ही है। अब जल्दी से रेडी होते हैं, पहुँचते हैं एग्जीबिशन के लिए। तो भाई नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं और आज पहन लिया है कोट, क्योंकि भाई आज है दूसरा दिन, तो दूसरे दिन ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, तो इसलिए आज थोड़ा सा फॉर्मल लुक में आ गए हैं कोट वोट पहन के। तो अब चलते हैं भाई, कैब आ चुकी है नीचे, नीचे चलते हैं जल्दी से, फिर पहुँच जाते हैं एग्जीबिशन सेंटर। तो चलिए भाई मिलते हैं कैब में और फिर उसके बाद मिलते हैं एग्जीबिशन सेंटर में। सामने मेरा वेट कर रहे हैं भाई। सो जी पहुंच चुके हैं एग्जीबिशन और आज ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, पार्किंग से ही पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। सारे स्टॉल्स ओपन हो चुकी हैं एंड हम ऑलवेज लेट। सो आज है हमारे यहाँ पे वोट, तो हम तो वहाँ पे है नहीं, बट हमें अपनी प्रेजेंस देनी है, तो हम अपने यहाँ पे सेल्फ वोट दे रहे हैं। सर आपको भी कभी ऐसे वोट दे रहा हूँ तो सेल्फ वोट दे देना, और आपको ऐसे करके फिर फोटो क्लिक करके लगा देनी है। चलो अब मेरा नंबर है, ये डिजिटल वोट है ना? यस। तो आज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रह रहा है एग्जीबिशन में, काफ़ी सारे कस्टमर्स आ रहे हैं और इंक्वायरीज अपनी दे रहे हैं। तो अभी भी देखिए जैसे कि कुछ कस्टमर्स हैं जिनसे बातचीत हो रही है और उनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको हम बता रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या कितने कितने व्हाट इज इसके लाइट मिल जाएंगे, कौन कौन से टाइप्स की मिल जाएंगी। तो भाई अपना तो स्टॉल हमने क्लोज कर दिया, निकल रहे हैं और बहुत खुशखबरी है। गाड़ी की 1 to 1.5। तो भाई स्टॉल तो हमारा हमने क्लोज कर दिया, काफ़ी सारे लोगों ने क्लोज कर दिया, बहुत ही कम लोग हैं जो बैठे हुए हैं, इस टाइप की कार्ट भी चलती है। तो भाई अभी ना बताते हैं आपको, अभी एक्चुअली एक पास मिलता है जिससे कि आप अंदर जाके मस्त वाली पार्टी ले पाओगे ना अंदर। जी हाँ जी हाँ। तो मिलता तो एक पास है, मिलता तो एक पास है, एक बंदे को एक पास है, पर हमारे साथ स्कैम तो बहुत होते रहते हैं, बट कभी कभी ना कुछ खुशखबरियां भी हो जाती हैं और हमें मिल गया भाई चार पास सीधा। देखिए ये वेलकम के लिए क्या मस्त डेकोरेट करा हुआ है। चलो भाई आज खाएंगे फ्री का खाना, बहुत दिन से ना होटल में बिल दे रहे थे, बढ़िया एकदम फ्री में खाएँगे। चलो let me tell you we